जी, दैट इज योर वर्कशीट नंबर 3। ग्रामर डिस्कशन कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमारे एक मिनट, करेक्ट इनकरेक्ट बीच में रहेंगे। व्हाट वर यू डूइंग वन और एगो, इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम करेक्ट इनकरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप बताएंगे इसमें से कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। ग्रामर क्विज पास्ट कंटिन्यूअस, decide if each question or statement is correct or wrong. I left home at 6:30 this morning and went to work. I left home at 6:30 this morning and went to work. बताएं ये correct है या incorrect है? मैं आपको बताती हूँ ये correct है. The reason is that वो कहते हैं कि I left home, ये भी past में है, ये भी past perfect है, दोनों past perfect में है और बीच में linking के लिए and लगा हुआ है. I left home at 6:30 this morning. इस morning में मैंने घर, मतलब मैं चला गया इस morning, यानी कि ये past simple tense है, and went to work, और मैं काम करने चला गया कितने बजे, 6:30 पे. Next है, I was doing his homework when I called him. ठीक है, sorry, he was doing his homework when I called him. True है कि false है? Correct है या wrong? करेक्ट है, करेक्ट है। कैसे इसको ट्रांसलेट कीजिएगा? He was doing his वो अपना, हाँ वो अपना था, होमवर्क कर रहा था जब मैंने उसे बुलाया। What were you doing? We ate dinner. करेक्ट है, इनकरेक्ट है? क्वेश्चन पूछा है what were you doing, तुम क्या कर रहे थे? We ate dinner. करेक्ट है, इनकरेक्ट? ये आंसर इसका यही होना चाहिए था। नो, क्या होना, करेक्ट रॉन्ग है, क्या होना चाहिए? वी वर हैविंग डिनर, वी वर हैविंग डिनर। आई डिड नॉट स्लीपिंग व्हेन माय फ्रेंड रिंग द डोरबेल। ट्रू या फॉल्स है? रिंग द डोरबेल, बताइए। ठीक है, गलत है, इसके अंदर देखें क्या गलती हुई है सेंटेंस में, वर्ड्स गलत है। ये सेंटेंस डेड की जगह वाज आना था। हां जी, डेड की जगह वाज आना था। आई वाज नॉट स्लीपिंग व्हेन माय फ्रेंड रिंग द डोरबेल, क्योंकि आईएनजी के साथ हमेशा वाज एंड वर आता है। डिड द स्टॉर्म वेक यू अप? इट वाज रेनिंग हैवीली एट नाइट। ट्रू या फॉल्स? क्योंकि फर्स्ट वन जो है वो कहता है कि क्या तुम्हें रात को स्ट्रॉम ने जगा दिया था, रात को बहुत तेज, मतलब क्या तुम स्ट्रॉम की वजह से जाग गए थे, बहुत हैवी रेन हुई थी रात। My friend was already eating his lunch when I met him in cafeteria. True, false? True. True. Shabash. Good was not careful. He hit a tree. He was falling off his bike. Steward was not careful. He hit a tree and he was falling off his bike. करेक्ट है। करेक्ट। जो है वो केयरफुल नहीं था, वो जो है उसने ट्री को हिट किया एंड ही वाज फॉलिंग ऑफ हिज बाइक, और वो अपनी जो बाइक से नहीं, ट्री एंड ही फेल ऑफ हिज बाइक, वो जो है वो केयरफुल नहीं था, वो जो है उसने हिट किया एक ट्री को। ये बेटा रॉन्ग है, चेक कर लेते हैं ये क्यों फॉल्स है। स्टीवर्ड वाज नॉट केयरफुल, स्टीवर्ड केयरफुल नहीं था, ही हिट अ ट्री एंड ही वाज फॉलिंग। जब एंड आ जाता ना तो जो पीछे टेंस चल रहा हो तो साथ ही दूसरा हो जाता है, जब मतलब हिट जो है वो पास्ट में चल रहा है तो आगे भी पास्ट ही आना था, तो एंड के बाद भी पास्ट ही आना था। पास्ट सिंपल चल रहा है ना, तो एंड के साथ दोनों ही पास्ट सिंपल चलते हैं। अगर यहाँ पे होता ना while he was falling off his bike, so he was falling off his bike, फिर जो है वो स्टेटमेंट जो है
पहले वाली जो है वो सिंपल पास्ट हो सकती है और दूसरी जो है वो कंटिन्यूज हो जाती है. लेकिन यहाँ पे है ही हिट अ ट्री, हिट की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी हिट ही होती है. तो वो उसने वो स्टीवर्ट जो है वो केयरफुल नहीं था, उसने एक ट्री को हिट किया और ही फेल ऑफ हिज बाइक और वो अपनी बाइक से गिर गया. यहाँ हिट की वजह से यहाँ पे भी पास्ट सिंपल ही आएगा. नो शी वॉज नॉट एट द लाइब्रेरी यस्टरडे आफ्टरनून, सही है. नो शी वॉज नॉट एट द लाइब्रेरी यस्टरडे आफ्टरनून, वो कल आफ्टरनून में लाइब्रेरी में नहीं थी. ट्रू या फॉल्स है? हाँ जी क्लास, ट्रू है. आई वॉच टीवी व्हेन आई हर्ड द फोन रिंग. आई वॉच टीवी व्हेन आई हर्ड द फोन. ये ट्रू है या फॉल्स? इनकरेक्ट है ये. Were you and John studying? Yes, we were. True or false, sir? Correct or wrong? हाँ जी. Were you and John studying? Yes, we were. Correct है भाई. Correct है भाई. Were you watch the movie? No, I did not. हाँ जी. True or false, sir? या फिर did you watch the movie? यहाँ पे आना था did you watch the movie? No, I did not. ठीक है, या फिर आना था were you watching the movie? No, I were not. लेकिन हमने तो एक वो ढूंढना है ना कि एक चीज क्या है इसमें गलत है, तो इसमें यहाँ पे डिड यू वॉच द मूवी आता था. नो आई डिड नॉट. सारा फाउंड अ न्यू जॉब एट एन ऑफिस काम डाउन. करेक्ट है या फॉल्स? ये करेक्ट है. ये सारा कुछ एट एन ऑफिस काम डाउन. इट रेन्ड ऑल डे यस्टरडे सो I stayed at home. In all day yesterday, so I stayed at home. Correct hai ya incorrect? Stayed at home. We. Yeah. I trained all. There's this case that I stayed at home. It was raining all the day yesterday, so I stayed at home. So I stayed home. All day yesterday नहीं होता. Yesterday का मतलब ही सारा दिन ही होती रही बारिश. It was raining. Yeah, it was raining yesterday, so I stayed at home. That is correct. It rained all day yesterday, so I stayed at home. It was washing the. Sorry, I was washing the dishes and Tom was sweeping the floor. Correct and incorrect? Correct. Correct. I was raining. It was raining yesterday, so I stayed at home. Incorrect. Incorrect. इसका हिंट देख लो. Rained all day yesterday, so I stayed at home. ये भी correct है. और it was raining all day yesterday, so I stayed at home. ये भी correct है. Was the dog barking? No, it did not.
No, it did not, Anand. Correct है या incorrect? Incorrect. Incorrect है. क्या Anand? No, it was not. Dog के लिए not. के लिए no. Why are you laughing yesterday? I was reading a funny book. Correct है या incorrect? Why are you laughing yesterday? Correct है या incorrect? Correct है. करेक्ट है पक्की बात है लग तो रहा है नहीं नहीं करेक्ट है बता दो पत्ती तो सामने पड़ी हुई है देखें जरा क्या आर नहीं आएगा ठीक क्या आएगा why did you laugh in Why were you laughing yesterday? ना कल के साथ आर थोड़ी आता है कल के साथ तो वर आएगा ना yesterday है तो वर आएगा ठीक है why were you laughing why were हाँ अच्छा जी ये नीचे देखिएगा जो हमने गलतियां निकाली थी देखते हैं वो सही थी या नहीं नंबर फोर में हमने देखा था स्टीवर्ड वॉज नॉट केयरफुल ट्री एंड ही फेल ऑफ हिज बाइक फिर था उसने करेक्ट किया था आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई हर्ड द रिंग ऑन रिंग The dog was barking. No, it was not. What were you doing? We were eating dinner. Not sleeping when the doorbell rang. ठीक है कि मैं उस वक्त नहीं सो रहा था जब doorbell जो है वो rang कर रही थी. Did you watch the movie? Yes, I did. Or possibly were you watching the movie? Yes, I was. ये दोनों तरीके से ही हमने कर लिया था. अच्छा जी, did you watch the movie? No, I didn't. Or possibly were you watching the movie? No, I was not. Why were you laughing yesterday? I was reading a funny book. Alhamdulillah. So, ये भी हमारा